कोरोना मंकी पॉक्स के बाद बच्चों में टोमेटो फीवर का खतरा मंडराने लगा है। पूर्व दिल्ली के प्रीत बिहार में स्थित मदर्स ग्लोबल स्कूल में बच्चे को टोमेटो फीवर का मामला सामने आया है। मदर्स ग्लोबल स्कूल के क्लास 3 के 2 बच्चे पिछले 3 दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद पेरेंट्स से पता चला कि बच्चों को हैंड फुट और माउथ डिजीज हुआ है। इसी बीमारी को टोमेटो फीवर भी कहते हैं। एहतियात के तौर पर जिस क्लास के बच्चों को ये बीमारी हुई है उस क्लास के सेक्शन को बंद कर दिया गया है और ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई है। स्कूल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल को सैनिटाइज भी किया है। बीमारी के बारे में कैलाश दीपक अस्पताल के बाल विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजीत यादव ने बताया कि इस बीमारी में बच्चों को तेज बुखार के साथ हाथ पैर में दर्द और शरीर पर हल्के चकते भी हो जाते हैं। इसका इलाज सिम्टोमेटिक तरीके जैसे कि बुखार और मुंह के छाले के तौर पर किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा ने बताया कि टोमेटो फ्लू एक संक्रमित बीमारी है जो 10 साल से छोटे बच्चों में देखने को मिल रहा है। डॉक्टर पूर्णिमा ने बताया कि इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ये संक्रमण बीमारी है। ऐसे में जिन बच्चों को ये बीमारी हो उन्हें घर में थोड़ा अलग रखने की जरूरत है। जैसे कोई लक्षण दिखाई दे तुरंत डॉक्टर की सलाह ले। आई एम डॉक्टर अभिजीत यादव। आई एम ए कंसल्टेंट न्यूट्रोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन एट कैलाश दीपक हॉस्पिटल कड़कड़गुमा न्यू दिल्ली। सर, एक नई बीमारी आई है टोमेटो फीवर, इसमें बच्चों लोगों को ज़्यादा दिखाई दे रहा, क्या है इसका लक्षण? टोमेटो फीवर इज जस्ट लाइक ए फ्लू, ठीक है। जैसा फ्लू सिम्टम्स या वायरल इलनेस होता है, एक तरह का वायरल इलनेस है। बस इसमें यही है कि जैसे फीवर और हेडेक माइल्जिया जो होता है बच्चों में, ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट है, जिसमें कि फीवर काफ़ी तेज आता है, हाथ पैर में दर्द या शरीर में दर्द या सिर में दर्द, ये तो दो तीन प्रक्रिया ज़्यादा हो रही है। और साथ में कुछ रैशेज हो रहे हैं, जिसमें कि जो कि एक पेनफुल रैश है, जैसे कि हाथ में, पैर में और मुंह में जो अल्सर हो रहे हैं, ये 2-3 दिन के लिए बच्चों में ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को एपेटाइट या भूख कम लगना होती है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ट्रीटमेंट में इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं ट्रीटमेंट के लिए, इसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे बुखार का इलाज या जो पेन हो रहे हैं उसका इलाज ही इसमें बेहतर हो रहे हैं बच्चे। सर, इस लक्षण में देखा गया कि बच्चों को दाने निकल रहे हैं, क्या ये ज़्यादा खतरनाक बीमारी है बच्चों के लिए, क्या है सर ये? देखिए, अभी तक तो ऐसा देखा गया है कि बच्चे घर पर ही ट्रीट हो रहे हैं, कोई बच्चे ऐसे इलाज के लिए अस्पताल में कोई एडमिट नहीं हो रहा है। जो दाने निकल रहे हैं, हाँ दाने आ रहे हैं, थोड़ा सा पेन हो रहा है उन दानों में, लेकिन उन दानों से कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये दाने ऐसा नहीं है कि प्लेटलेट कम या डेंगू के जैसे दाने होते उसके करीब आसपास भी नहीं है। इसे हम एक तरह से कंपेयर करना चाहें तो हैंड फुट माउथ डिजीज़ के साथ में कंपेयर करते हैं, जो कि 3 दिन से 4 दिन में ठीक हो रहे हैं। सर, क्या लगता है बीमारी का एक दूसरे से छूने से या देखो छूने और खाने थोड़ी, हाँ ये कंटीजियस तो है, बच्चों के बच्चों में से फैल तो रही है, लेकिन वही है कि खाने पीने से नहीं होती है, हाँ छूने से या जैसे वायरल जैसे फैलता है, जैसे एक तरह का पहले कोविड चला था, सांस की बीमारी थी उससे फैल रही थी, तो ये भी एक तरह का कंटीजियस है। कंटीजियस पीरियड 3 से 5 दिन का है, लेकिन उतनी ड्रेडफुल और इतनी डेंजरस बीमारी नहीं है। नहीं, ये कोरोना से कहीं पे भी कोई भी वायरस ही डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस है। कोरोना इज़ ए डेडफुल डिजीज़, ये दूर दूर तक इसमें बच्चों से कोरोना से कोई रिलेशन नहीं है इस वायरस का। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा, कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजी कैलाश दीपक हॉस्पिटल। मैम, एक नया बीमारी आई है टोमेटो फीवर, क्या है इसका लक्षण, कैसे क्या है? हाँ, टोमेटो फ्लू आजकल हम जैसे सुन रहे हैं, ये बेसिकली एक वायरस से होने वाली बीमारी है। इस बीमारी से संक्रमित यूजुअली जो है 10 साल से छोटे बच्चों में ये संक्रमण देखा जा रहा है, और इन बच्चों में संक्रमण के बाद क्या है, बुखार आता है, बुखार के 2 दिन के अंदर शरीर पे छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, और ये जो दाने होते हैं ये शुरुआत में लाल रंग के होते हैं और थोड़े दिन में फिर ये अपना थोड़ा सा साइज इनका बड़ा होता है दानों का, और ये टोमेटो से रिजेंबल करते हैं। मैम, ये कितना जानलेवा है बच्चों पे, क्या कोई इसका साइड इफेक्ट भी है बच्चों पर, किसे क्या नहीं? इस बीमारी को लेके बच्चों के स्वास्थ्य को लेके घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीमारी के लिए अगर जो लक्षण है, जो बुखार है, शरीर में दाने हैं, कुछ ऐसा लगता है, या फिर साथ में दस्त और उल्टी, ये सब भी बच्चों को हो सकता है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, बच्चे के जैसे लक्षण हैं उसके हिसाब से उसका इलाज अस्पताल में उपलब्ध है। मैम, देखा गया कि अभी एक स्कूल में भी करीब 2-3 बच्चों को भी ये मंकी पॉक्स, ये बीमारी जो है हुई है, लेकिन
बताया जा रहा है कि क्या ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, क्या है? हाँ, ये बीमारी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल सकती है, तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना है, यदि कोई बच्चा हमारे घर में है जो बीमार है, उसको बुखार आ रहा है, तो कुछ इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, अगर रैशेज आ रहे हैं, फीवर है साथ में, तो हमें थोड़ा सा उस बच्चे को हफ्ता 10 दिन के लिए थोड़ा सा अलग रखना है दूसरे बच्चों से, उसके खिलौने, उसके कपड़े, उसके तौलिए, जो डेली यूटिलिटी की चीज़ें हैं उसको हमें थोड़ा अलग रखना है। बच्चों के खिलौने, जो बच्चे जैसे कि बच्चों की आदत होती है, खिलौने देखते हैं बच्चों मुँह में डाल देते हैं, या फिर हाथ टच किया खिलौने पर उसको मुँह में डाल दिया, तो उसको हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है बीमार बच्चे के आसपास। बाकी जो जनरल साफ सफाई है, हमारा हाथ धोने का प्रैक्टिस है, बाहर से जब भी आते हैं बच्चे आते हैं, खेल के पार्क में से आते हैं, तो हाथ धोने का जो प्रैक्टिस है उसको आप जारी रखिए। नहीं, इसका कोरोना से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन और ये बीमारी बिल्कुल भी ऐसा खतरनाक नहीं है, इसको लेके बिल्कुल पब्लिक को घबराने की जरूरत नहीं है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।